हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको हाई लो कट कुर्ती बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने प्रिंटेड साटन लिया है। ये वैसे तो साटन है, लेकिन ये प्रिंटेड साटन है। साटन दो तरीके के होते हैं, एक तो प्लेन साटन होता है और एक प्रिंटेड साटन होता है। तो प्रिंटेड साटन है ये, मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे हमने कपड़ा लिया है, तो इस कपड़े में से हम अपनी जो ऊपर की बॉडी निकलेगी, यानी कि हम इसे दो पार्ट में बनाएंगे, बॉडी और जो नीचे का घेरा होगा उसे हम अलग रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसमें से बॉडी के लिए कपड़ा है वो हम अलग कर देंगे, और फिर जो घेरे का कपड़ा है उसे हम अलग निकाल देंगे। तो बॉडी के लिए कपड़ा अलग निकाल लेते हैं इसमें से। तो देखिए, मैंने ये अपनी ऊपर की जो बॉडी है, टॉप पार्ट बोलते हैं, उसके लिए मैंने कपड़ा निकाल दिया अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जैसे हमने इसकी लंबाई ली है, जैसे तैयार हम इसे 15 इंच रखेंगे, तो उसमें हमने 1 इंच ज्यादा लिया, यानी 16 इंच लिया हमने, 16 इंच। और उसके बाद जो हमारी बाजुएं निकलेंगी, वो मैं उसी में से जो हम घेरा निकालेंगे, हमारा नीचे से कपड़ा बच जाता है, तो उसमें से मैं बाजू निकालूंगी। तो सबसे पहले हम अपना तीरा लेंगे, आपका जितना भी तीरा है उसका आपको आधा करना है नॉर्मल में। और अगर आप इसमें कॉलर, तो इसमें कॉलर लगेगा, तो मैं इसमें लूंगी 8 इंच, 8 इंच तीरा ले रही हूँ, क्योंकि कॉलर में हमेशा ज्यादा तीरा लिया जाता है। अब आती है आर्म होल्स की बारी, तो आर्म होल्स मैं इसमें ले रही हूँ 7 इंच। तो यहाँ तक इस पॉइंट को हम 7 इंच तक मिला देंगे इस तरीके से। प्रिंटेड साटन है तो थोड़ी आपको निशान देखने में दिक्कत होगी। आप अपनी चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे, तो यहाँ से मैं 11 इंच कपड़ा ले रही हूँ। अब इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। अब नीचे से अपनी कमर के लिए लेंगे, तो जैसे कि जितनी भी कमर है उसका फोर्थ पार्ट करके उसमें 2 इंच प्लस करना है, तो 2 इंच मैंने इसी में प्लस कर लिया है। अब यहाँ से लेंगे हम 9.5 इंच, नीचे से हमारा कम होता है कमर की साइड से। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे। और फिर जो हमारा ये वाला हिस्सा है, बिल्कुल नॉर्मल कटिंग है इसकी। अगर आपको इसके जो निशान है उनको देखने में दिक्कत हो रही हो, तो बिल्कुल नॉर्मल निशान है, जैसे हम कुर्ती वगैरह में लगाते हैं। तो पहले हम इन दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे, उसके बाद हम आपको इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी, यानी कि आर्म होल की, और जो गले वगैरह है वो मैं आपको अलग कट करके बताऊंगी। और ये एक्स्ट्रा पीस इधर से भी निकाल दूंगी मैं, और मैं इसमें फ्रंट साइड में बटन लगाऊंगी। अब देखिए, हमारे दोनों पार्ट अलग हो गए हैं। अब 1/2 इंच हम इधर से डाउन करेंगे नीचे की साइड को, बिल्कुल बराबर करके इनको। अब ये हमारा 1/2 इंच डाउन हो चुका है। अब उसके बाद इनको हम अलग कर लेंगे। तो देखिए, इसमें से हम एक पार्ट हटा देंगे और अपना फ्रंट पार्ट रख लेंगे। अब उसमें सबसे पहले पहला काम तो इसमें हमें आर्म होल्स का करना है, यानी कि जो आर्म होल्स की कटिंग है वो थोड़ी सी बढ़ा के करनी है इस तरीके से, यहाँ से और यहाँ तक ये आपको बढ़ाना है 1/2 इंच। अब आती है गले की बारी, तो यहाँ से हम जो गले की चौड़ाई है वो रखेंगे हम 3 इंच, और जो लंबाई है, मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी, तो लंबाई मैं इसमें 3 इंच रख रही हूँ। आप अपने अनुसार इसे 3.5 इंच तक रख सकती हैं, लेकिन इसे कम ही रखते हैं। अब यहाँ से भी मैं 3 इंच पे निशान लगा दूंगी, और इस निशान को मैं ऐसे मिला के और ऐसे करके और इसमें गोलाई कर दूंगी राउंड गले की, और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। और जो हमारा बैक पार्ट होगा उसमें भी हम 1/2 इंच की शेप देंगे। अब इस पीस को मैं यहाँ से बीच से अलग कर दूंगी इस तरीके से, पूरा ये वाला पीस है जो, इसको हम पूरा अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारी बटन पट्टी और काज पट्टी आएगी इस तरीके से। ये दोनों पीस मेरे अलग हो चुके हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला पार्ट है बैक वाला, उसमें हमें 1/2 इंच की इधर शेप देनी है। यहाँ से भी जैसे हमने 3 इंच उसमें लिया था, इसी तरीके से इसमें भी हम 3 इंच लेके और सिर्फ गोलाई कर देंगे। फिर बाकी हम जो हमारा घेरे वाला कपड़ा है उसको हम 2 फोल्ड में रख के ऑरिव में रखेंगे इस तरीके से। अब आप देख सकती हैं, अब मेरे दोनों टॉप पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है।
और जो आर्म होल्स की कटिंग रह गई है अभी, उसे मैं सिलाई करते टाइम कटिंग कर लूंगी जब बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बिछा लेते हैं। तो देखिए मैंने कपड़े को अच्छे से फैला लिया है। अब उसके बाद देखिए हम ये वाला कोना उठाएंगे और इस वाले कोने को हम ऐसे मिला देंगे, जैसे हम अम्ब्रेला में रखते हैं कपड़ा, इस तरीके से रख के और इसमें पिन लगा देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये वाला पीस इधर मिलाना है इस तरीके से, और अच्छे से बराबर कर देना है। अब देखिए मेरा जितना भी कपड़ा बचा था उसको मैंने 2 लेयर में बिछा लिया है, इस तरीके से 2 लेयर में करके और अम्ब्रेला में कर लिया है। ये लंबाई की साइड होगी, और जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से बचेगा खूब सारा, मैं उसमें से बाजू कटिंग कर लूंगी। तो चलिए इसमें हम जो हमने अपनी अपना टॉप पार्ट कट किया था उसको कमर की साइड रख के कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने अपना टॉप पार्ट रख लिया है और ये कमर की साइड है। अब यहां से हम इस तरीके से निशान डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे इसके बराबर ही, और इसको डार्क कर देंगे। अब एक बार हम इंच टेप से चेक कर लेते हैं कि ये निशान हमारा, तो देखिए जैसे हमारा ये 14 इंच पे आ रहा है, तो ये भी हमारा यहाँ तक 14 इंच पे ही आना चाहिए ऐसे। अब हम देखिए इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे, शेप हम कटिंग करते टाइम देंगे। अब इससे आगे हमारी लंबाई रहेगी, देखिए अब जैसे हमारी ये 27 इंच है हमारे पास लंबाई, तो टोटल हमारा जो कुर्ता है वो ये जो हमारा, तो देखिए सिलाई वगैरह का सारा कुछ निकाल के हमारा ये 14 इंच का गाउन तैयार, वो अम्ब्रेला कुर्ती तैयार होगी। तो हम यहाँ से जैसे हमारा 27 आ रहा है, तो हम ऐसे पूरी जो हमारा कपड़ा है उस पे हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे, 27 27 इंच पे रख के बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहें तो चोली को इसी में से निकाल सकते हैं, अच्छे से घेरा बना लेंगे इसका हम। अब देखिए मैंने बिल्कुल, आपको प्रिंटेड कपड़े की वजह से थोड़ा देखने में दिक्कत होगी, और ये साटन का कपड़ा है, इस पे निशान भी थोड़ा मुश्किल से लगता है। तो मेरा इस तरीके से अम्ब्रेला में घेरा बन चुका है। अब यहां से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। देखिए नीचे का घेरा मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमारा जो साइड से खूब बंद है ये, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए जैसे हमारा ये इस साइड से बंद है, तो यहाँ से हम कटिंग करके और एक पार्ट को इसमें से अलग कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ से निशान लगाएंगे बंद की साइड से, ये बंद की साइड है, तो यहाँ से मैं लगाऊंगी 20 इंच पे निशान, ऊपर से रख के कमर की साइड से और लंबाई की तरफ से बंद की साइड से। अब देखिए यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से इसमें शेप देनी है, हल्की सी एस शेप देनी है, हल्का सा घुमाव देके और इस साइड से मिला देना है। ज्यादा कर्व नहीं देना इसमें, ये बहुत हल्का हाई लो है, यानी कि एक तो होता है कि काफी कर्व दिया जाता है, लेकिन ये बहुत हल्का है, इसमें हल्का सा कर्व दिया जाता है सिर्फ। अब यहां से मैं ये कपड़ा कट कर दूंगी बिल्कुल ऐसे ही, सीजर को घुमा के जैसे हमने इसमें शेप दी है। तो देखिए मैंने ये शेप दे दी है, और ये हमेशा ध्यान रखें ये शेप बंद की साइड दी जाती है, खुले की साइड नहीं। तो देखिए खुलने के बाद है जो ये कुछ हमारा डिजाइन है, जो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, वो आपको बनने के बाद इसका लुक पता पड़ेगा कि इसका लुक किस तरीके से आया है। अब उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें से बाजू कटिंग करेंगे। अब देखिए जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसमें से बाजू कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे, जैसे हम इसमें तैयार लंबाई 10 इंच रखेंगे और 9 इंच रखेंगे उसमें 1 इंच ज़्यादा सिलाई जो हम उसे फोल्ड करेंगे। तो 10 इंच कपड़ा ले रही हूँ मैं। अब यहाँ से हम इस तरीके से एक सीधा निशान डाल देंगे, और जो चौड़ाई लेंगे हम यहाँ से और यहाँ तक की, वो हम लेंगे 8.5 इंच ऐसे। अब इधर से हम लेंगे 3 इंच खुले की साइड से, और ये बंद की साइड से हम इस तरीके से शेप दे देंगे ऐसे। शेप देने के बाद नीचे से हम 6.5 इंच तैयार है, उसमें 1.5 इंच ज़्यादा 7.5 इंच, और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे। और जो बाकी का कपड़ा है वो हमारा जैसे कॉलर लगेगा अभी अभी, जैसे हमारा थोड़ा बहुत हमें चाहिएगा पट्टी वगैरह के लिए, तो वो हम उसमें यूज कर लेंगे, और किसी भी डिजाइन वगैरह में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें हम 1/2 इंच की फ्रंट साइड में शेप दे लेंगे।
तो देखिए ये मेरी बाजू कटिंग हो चुकी है, अब इसकी सिलाई करेंगे हम। अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हमने अपना फ्रंट पार्ट लिया है और ये दो पट्टियां कट कर ली हैं हमने। ये हमारी 2 इंच चौड़ी पट्टी है और ये हमने सीधी साइड ली है टॉप पार्ट की। ये फ्रंट पार्ट होगा टॉप पार्ट का, तो इसको हम पट्टी को ऐसे रखेंगे 2 फोल्ड में। तो ये हम बटन और काज के लिए पट्टियां बना रहे हैं। तो सबसे पहली पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड में रख के और इसे हम सिलाई कर देंगे। अब देखिए पट्टी को मैंने लगा लिया है और जो हमारी एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब देखिए अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे हमारा ये कपड़ा है इसको हम ऐसे रख के और यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से रख के एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। अब देखिए जो एक साइड की पट्टी लगा ली है, अब दूसरी साइड की पट्टी को हम सिंपल रखेंगे और फिर उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इसको रख के हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे पूरी पट्टी को, यानी कि जैसे हमने इसमें किया है इसमें कुछ अलग करना है। तो ये हमारी, अगर आप चाहें तो जो हमारा हाई लो है नीचे का उसमें भी आप ऐसा कट लगा के पूरे में बटन लगा सकती हैं, लेकिन ये फ्रंट फ्रंट में लगा रही हूँ मैं बटन, क्योंकि फिर पहनने में काफी दिक्कत होगी, पूरे बटन हटाने पड़ेंगे, तो इस वजह से मैं सिर्फ बॉडी तक ही बटन लगा रही हूँ। अब देखिए जैसे हमारा ये कपड़ा है इसको हम पहले इतना फोल्ड करेंगे, फिर इतना फोल्ड करके इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब देखिए मैंने ये अपनी दोनों पट्टियां लगा ली हैं। उसके बाद इस पट्टी को हम इसके ऊपर रख के और कमर की साइड से सिलाई कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें बटन इससे ऊपर लगाने हैं। इस वाले हिस्से को हम बंद रखेंगे बिल्कुल नीचे वाले को। अब देखिए मेरी दोनों पट्टियां, अब इस पे तो हमारे बटन लग जाएंगे और इस पे हमारे काज हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों पट्टियां लगा ली हैं अपनी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना जो चोली वाला कपड़ा है वो इसमें ज्वाइंट करना है। तो देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है हम वो ही उठाएंगे और जो बैक पार्ट है उसको उसमें अटैच करेंगे और बाद में हम उस पर पीको करा लेंगे। तो देखिए ये कमर वाली साइड होगी, तो कमर वाली साइड को हम इस तरीके से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ऐसे। बहुत सिंपल है इस कुर्ती को बनाना, आप बहुत ही इजी तरीके से घर पे तैयार कर सकती हैं और इसका लुक तो बहुत ही प्यारा आता है पहनने के बाद में। ये दोनों अच्छे से बराबर रख के, कमर वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अच्छे से बराबर रख के तब सिलाई लगानी है हमको अच्छे से। अब देखिए मैंने दोनों पीस इसमें ज्वाइंट कर लिए हैं, यानी कि अम्ब्रेला में ये नीचे का भी और बैक का भी दोनों पीस ज्वाइंट करने के बाद अब हम इनका तीरा ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से हम रख लेंगे इसको और इसका तीरा ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए मैंने तीरा ज्वाइंट कर लिया है। तीरा ज्वाइंट करते टाइम ये ध्यान रखें कि जो हमारी ये पट्टियां हैं ये आपस में बिल्कुल अब मिलनी चाहिए। और उसके बाद नीचे से ये घेरा भी अटैच हो चुका है। अब इसमें हम पहले बाजू ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरीके से कपड़े को खोलेंगे और ये कपड़े की सीधी साइड होगी और बाजू को उल्टा रख के और जो हमारा कर्व वाला हिस्सा है उसे फ्रंट साइड पे लाके और बाजू को इसमें दोनों बाजुओं को बिल्कुल गोलाई के हिसाब से आपको इसमें अटैच कर लेना है। अब देखिए मैंने इसमें बाजुएं ज्वाइंट कर ली हैं। अब हमको ऊपर से लेके और नीचे तक बॉटम तक फिटिंग करनी होगी, यानी कि जो नीचे का घेरा है वहां तक। तो पहले हम बाजू से फिटिंग करेंगे, जो 1.5 इंच कपड़ा है उसको सिल देंगे और आर्म होल की साइड दोनों हमारी, जैसे ये बाजू वाली साइड है तो ये हमारी आपस में मिलनी चाहिए बिल्कुल, जिससे कि हमारी जो शेप है वो अच्छे से आ सके। और फिटिंग आपको अपने ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। और देखिए जो हमारी ये वाली साइड है, जैसे हमने टॉप पार्ट को ज्वाइंट किया था, तो हमारी ये वाली साइड भी आपस में अच्छे से मिलनी चाहिए, कहीं से भी कम या ज़्यादा ना हो आपका कपड़ा। और कमर वाली साइड से हल्का सा हम बढ़ा के ही लेंगे कपड़ा। ये देखिए यहाँ से हम इतना कपड़ा बढ़ा के लेंगे 1.5 इंच, क्योंकि अगर हमारा इसमें 1.5 इंच ज़्यादा है तो 1.5 इंच हमारा इस घेरे में भी ज़्यादा होगा। और फिर हमको कम करते हुए जाना है। देखिए जैसे हमने यहाँ से ज़्यादा लिया,
फिर हमको हल्का हल्का सा कम करते हुए जाना है कपड़े को, और फिर जो हमारी दूसरी साइड होगी उस साइड से भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा देनी है इसमें नीचे का। नीचे देखो मुझे। अब देखिए मैंने कुर्ती की फिटिंग अच्छे से कर ली है दोनों साइड से, आप देख सकती हैं इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब उसके बाद पहले हम इसमें कॉलर लगाएंगे, उसके बाद इसमें बटन लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हम कॉलर को नापेंगे। तो देखिए इसी पट्टी से नापना है हमको, अच्छे से खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ना ही तो इंच टेप को खींचना है और ना ही कपड़े को। तो ये जो हमारा कॉलर है वो 17 इंच का है, तो अब हम यहाँ से पट्टी कट कर लेंगे 17 इंच लंबी। तो देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम निकाल देंगे, उससे आधा इंच 17 इंच से आधा इंच ज़्यादा लेके, और फिर देखिए हम यहाँ से इसको ऐसे 2 फोल्ड में कर लेंगे इस तरीके से। 2 फोल्ड में करने के बाद यहाँ से अच्छे से इसे फोल्ड करेंगे, और फिर देखिए निशान लगाएंगे हम 1 इंच पे, 1-1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, और इस पट्टी को हम ऐसे सीधा कर देंगे 1 इंच तक ही इस तरीके से। अब यहाँ से हमने जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको बढ़ा के हम इस तरीके से गोलाई कर देंगे इस साइड से, और जो नीचे की साइड है वहां से हम इसको ऐसे लाके और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हमने कॉलर लिया है और इससे करीबन 2 या 3 इंच ज़्यादा चौड़ी पट्टी लेनी है। अब इस पट्टी को हमें ऐसे 2 फोल्ड में रख लेना है इस तरीके से, उल्टी साइड से रखना है इसको, और उल्टी साइड से रख के और इस कॉलर को भी रख लेना है, और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए बिल्कुल गोलाई के हिसाब से सिलाई लगानी है आपको। बिल्कुल पट्टी को बराबर करते हुए, ये बहुत सिंपल है कॉलर लगाने, इसे हर कोई लगा सकता है। अगर आप गोलाई वाला कॉलर लगाना चाहती हैं तो आप वो भी लगा सकती हैं। अगर आपको वो नहीं लगाना आता तो मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं। ये सबसे सिंपल कॉलर है, इसे कोई भी लगा सकता है। जिसको कॉलर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता वो भी इस कॉलर को लगा सकता है। अब यहां से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे इस तरीके से, इधर से भी कट कर देंगे। और उसके बाद इस कॉलर को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इसको सीधा करके बिल्कुल पट्टी को, और पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, कॉलर अंदर आ जाएगा और किनारे के ऊपर बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। आप प्रेस से भी बिठा सकती हैं इसको, पूरा कपड़ा अंदर करेंगे और ऐसे ही पूरे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है, उसके बाद हम कॉलर को ऐसे खोलेंगे, और देखिए यहाँ से हम कपड़ा कट कर देंगे, सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा रखेंगे सिलाई के लिए, बाकी पूरा कपड़ा कटिंग कर देंगे और ऊपर का कपड़ा नहीं करेंगे कटिंग। अब देखिए कॉलर का सेंटर करेंगे इस तरीके से, यहाँ से बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे कॉलर को और यहाँ पे चौक से निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा निशान आपको तो नहीं दिख रहा लेकिन मुझे दिख रहा है। अब उसके बाद ऐसा ही निशान हम कॉलर को फोल्ड करके लगाएंगे इस तरीके से, रख लेंगे कॉलर को बिल्कुल बराबर नाप के, और इसके भी यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ही कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम इसको रखेंगे कपड़े को, और ये वाले हिस्से को ऐसे खोलेंगे और यहाँ से कॉलर को लगाएंगे। अब देखिए बिल्कुल सेंटर के पास रख लिया है हमने, अब हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर।
अब हमारे ये तीन पीस हैं, एक बुकरम का और एक इसका गले का और एक कॉलर का। अब उसके बाद अच्छे से हमें सिलाई लगानी है सीधी बिल्कुल। अब देखिए मेरा ये हिस्सा आ चुका है जहाँ पे पट्टी लगाई थी, और ये कॉलर हमारा बिल्कुल फिट है। अब इसमें आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आपका कॉलर छोटा है या बड़ा है। अब देखिए जैसे हमारा आधा कॉलर लग चुका है, अब जो आधा हिस्सा बचा है उस साइड से, इस साइड से भी हम ऐसे ही लगा लेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे। अब ये वाला हिस्सा हम इधर की साइड को सिल देंगे, तो आपका कॉलर बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और आप इसी तरीके से हर साइज की कुर्ती में इस तरीके से कॉलर बना के लगा सकती हैं। अब देखिए कॉलर मैंने राउंड में लगा लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको तो हमें अंदर की साइड कर देना है इस तरीके से, ऐसे। और जितना भी कपड़ा है उसको हमें ऐसे फोल्ड करके और एक सिलाई के ऊपर लगा देनी है, ऐसे रख के। तो देखिए अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये कपड़ा फोल्ड करते हुए जाना है और सिलाई को लगाते हुए जाना है इस तरीके से। ये देखिए बहुत सिंपल है, ये ऐसे फोल्ड करना है कपड़े को, और फिर इस वाले कपड़े को फोल्ड करना है ऐसे, और फिर सिलाई लगा देनी है आपको बिल्कुल, बल वगैरह पूरे निकाल के। अब इसको हम पूरा सिल लेंगे। अब देखिए मेरा कॉलर लग के एकदम से तैयार हो चुका है। आप देख सकती हैं कि बिल्कुल हमारा जो ये कॉलर है वो एकदम से सीधा आया है, और कितना प्यारा इसका लुक है। तो उसके बाद अब जो हमारा ये वाला हिस्सा बचा है, ये पट्टी वाला, यहाँ पे हम बटन और काज बनाएंगे। तो चलिए काज कट करेंगे। तो देखिए जैसे मुझे इस तरीके के बटन लगाने हैं, तो ये आप अपने बटन के साइज के हिसाब से देख सकती हैं। तो इसमें मुझे थोड़े से बड़े काज कट करने होंगे, तो एक काज हम यहाँ पे कट करेंगे। तो हमें ये चीज़ देख लेनी है कि जो हमारा ये बटन है, क्योंकि अब इसमें सिलाई भी लगेगी, वो आसानी से आ जाए, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इससे हम करीबन तीन उंगली रख के एक और काज बनाएंगे। तीन उंगली से आप नाप सकती हैं या फिर आप वैसे भी नाप सकती हैं। तो इसको भी हम देखेंगे, अगर आपको कम लगे तो आप बढ़ा सकती हैं। फिर से हम ऐसे तीन उंगलियों को रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो ऐसे ही हम ये चार काज बना लेंगे। तो देखिए काज बनाने के लिए सुई को नीचे से निकालेंगे, डबल धागा डाल लेना है। सुई को नीचे से निकालने के बाद अब जो हमारा धागा, इसका मुंह हम इस तरफ को करके और यहाँ से ऐसे थोड़ी दूरी से हम इस तरीके से सुई को निकाल देंगे इस तरीके से। और ऐसे ही हमें अपने ये चार काज बना लेने हैं, और इनको बना के हम तैयार कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स मेरी ये हाई लो अम्ब्रेला कट कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। और देखिए मैंने ये फ्रंट साइड में बटन लगा के, और ये देखिए जो ये डिजाइन है ये सेम है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस पे मैं पीको कर लूंगी पूरे घेरे पे। आप इसका पूरा लुक देख सकती हैं, पहनने के बाद में ये बड़ा ही सुंदर लगेगा। ये सिर्फ जो हमारा कर्व था वो इस साइड से था, पहनने के बाद में इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।